दोस्तों, चाहे आप इलेक्ट्रिकल फोरमैन हो या मैकेनिकल फोरमैन, जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यू का टेबल में कौन कौन रहेगा, मेंटेनेंस का जो काम होता है ये आपका एक टीम वर्क है, तो अपना जो टीम है इसके साथ किस तरह से बात करना है और बहुत आसान तरीका से आपको ब्रेकडाउन भी कंट्रोल करना है और काम भी करवा लेना है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अच्छा से फॉलो करते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और सालों साल आप ड्यूटी करते रहिएगा। एक जॉब इंटरव्यू दीजिएगा तो बहुत आसान तरीके से आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट है कि इंटरव्यू का टेबल में कौन कौन रहता है, जीएम जनरल मैनेजर, एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसके बाद आ जाता है फोरमैन और इंजीनियर। तो हर रोज जो आपका जॉब प्लानिंग होता है, फोरमैन और इंजीनियर मिलके जॉब प्लानिंग बनाता है कि आज अगर मान लीजिए कि 09/4/2023 तारीख है, ठीक है, तो आज कौन कौन सा काम करा लेंगे, तो बिल्कुल भी ब्रेकडाउन नहीं आएगा। और अगर ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो आपको एचओडी, एजीएम और जीएम कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर आपका ज्यादा ब्रेकडाउन आने लगेगा तब क्या होगा, पहले आपको एचओडी समझाएगा, इसके बाद एजीएम सर समझाएगा, इसके बाद जीएम सर समझाएगा। जब जब आप फोरमैन में ड्यूटी कर रहे हैं और डायरेक्ट अगर जीएम साहब के ऑफिस में पहुंचे हैं तो आपको कोई लड्डू मिलने वाला नहीं है, इतना डोज मिल जाएगा कि कभी कभी ऑफिस पे भी चक्कर आ जाएगा। इसका मतलब है जो आपका मेंटेनेंस टीम है, जो आप इंजीनियर के साथ जॉब प्लानिंग किए हैं, जॉब प्लानिंग करने के बाद शिफ्ट इंचार्ज, सीनियर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन जूनियर, इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन आईके इलेक्ट्रिशियन, तो आप ठीक से काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए ज्यादा ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर आप ब्रेकडाउन को कंट्रोल कर लेते हैं तो किसी भी कंपनी में बहुत आसान तरीके से आप ड्यूटी कर लीजिएगा। अभी तीन नंबर पॉइंट में आ जाता है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तो पहला पॉइंट होता है आपका बिहेवियर, मतलब आपको बात किस तरह से करना है, किस लिए जरूरी है दोस्तों कि इस जगह में जो आप फोरमैन में इंटरव्यू देने गए हैं, तो पहला काम होता है क्या, एचओडी, एजीएम और जीएम किस तरह से आप बात कर रहे हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है और आपका बात करने का तरीका अच्छा है तो आपको देख के ही समझ जाएगा कि आपका जो टीम है बहुत आसान से आप काम करवा लीजिएगा। जब आप एक फोरमैन में ड्यूटी कीजिएगा तो एचओडी, एजीएम, जीएम सबके साथ आपको रिश्ता अच्छा रखना है, मतलब बात करने का तरीका बिल्कुल भी बहुत अच्छा होना है। जब आपको एचओडी, एजीएम या जीएम कुछ भी काम बताएगा तो पहले आपको पूरा काम सुन लेना है, इसके बाद आपके मुंह से एक ही बात निकलना चाहिए कि सर काम हो जाएगा, जी सर, जी सर। तब क्या होगा, आपको एचओडी से, एजीएम से, जीएम से बहुत इज्जत भी मिलेगा और आप आके जब अपना टीम से बात करके काम करवाइएगा तो बहुत आसान तरीके से काम हो जाएगा। आप एक फोरमैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि शिफ्ट इंचार्ज, सीनियर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन जूनियर, इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन आईके इलेक्ट्रिशियन जहां भी जाके काम करेगा तो वो आपका भी जिम्मेदारी है कि सही से काम कर रहा है या गलत तरीका से काम कर रहा है, आपको भी जाकर थोड़ा सा गाइड देना है, तभी क्या होगा बिल्कुल भी ब्रेकडाउन नहीं आएगा, सबके साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। जब भी फोरमैन को टाइम मिलेगा तब क्या करना है दोस्तों, शिफ्ट इंचार्ज, सीनियर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन जूनियर, इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन आईटी इलेक्ट्रिशियन सबको थोड़ा थोड़ा करके काम के बारे में ट्रेनिंग देना है। और ट्रेनिंग देने के लिए क्या जरूरी है कि खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप अपना टीम से बात कीजिएगा तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब आप किसी भी कंपनी में नया नया फोरमैन में ज्वाइनिंग किए हैं,
अगर आप इस टीम को कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपका फॉर्मेली सक्सेस हो जाएगा, और अगर आप टीम को कंट्रोल नहीं कर पाए तो किसी भी कंपनी में आपका 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने से ज्यादा ड्यूटी नहीं हो पाएगा, आपको काम छोड़ के भागना पड़ेगा। किस लिए? जैसे एक फोरमैन है, इसके साथ इंजीनियर सपोर्ट में है, उसके बाद जितना सर आपका इलेक्ट्रिशियन है, तो सबके साथ आपको बिल्कुल भी गाली गलौज से बात नहीं करना है। एक बार गाली गलौज से बात करने लगिएगा तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, आईटी इलेक्ट्रिशियन, टोटल जो आपका टीम है सबको बताएगा कि जो फोरमैन है ये बहुत ही खराब है, सबके साथ गाली गलौज में बात कर रहा है। लेकिन अगर आप अपना जो आदत है सुधार लेते हैं, किसी के साथ भी गाली गलौज से बात नहीं करते हैं, जब भी आपको बात करना है तो काम के बारे में बात कीजिए। आप पहले प्यार से बोल के देखिए शिफ्ट इंचार्ज को कि काम होता है या नहीं होता है। शुरू शुरू में क्या होगा, 1 महीना या 2 महीना आपका जो बात है उसका वैल्यू उतना नहीं मिलेगा, जब तक आपको सब नहीं जान जाता है। मतलब जितना बड़ा आपका टीम है, आपके अंदर में कितना नॉलेज है, किस तरह से आप काम करवाते हैं, ये सारा चीज मालूम होना चाहिए। इसीलिए शुरू शुरू में जब आप शिफ्ट इंचार्ज को एक बार काम बोलिएगा या 2 बार बोलिएगा या 3 बार बोलिएगा, 3 बार जब तक बोलिएगा नहीं तब तक वो काम होने वाला नहीं है। इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इस जगह में दोस्तों आपको इंजीनियर का भी सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सा कंपनी में क्या है कि इंजीनियर रखता नहीं है, और जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है सब में आपको इंजीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा। पहले आपको इंजीनियर के साथ भी बात करना है कि जहां पे मैं ड्यूटी कर रहा हूं इस जगह में किस तरह से हमको काम करवाना है, किस तरह से काम लेना है। और जब आप ड्यूटी ज्वाइनिंग नया किए हैं तो 2 महीना तक एचओडी एजीएम जीएम तीनों को आपको अच्छा से समझना है कि ये हमसे क्या चाहता है और किस तरह से हमको काम करके देना है, ये नेगेटिव बात सुनना चाहता है या नहीं चाहता है। और जो एजीएम सर है, जीएम सर है, कोई भी आपका नेगेटिव बात सुनना पसंद नहीं करेगा। अगर आप शिफ्ट इंचार्ज, सीनियर इलेक्ट्रिशियन, मतलब जितना बड़ा टीम है, किसी का भी आप कंप्लेन करते हैं शुरू में तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, इस टीम से आपको काम लेने में तकलीफ होगा। अब क्या होगा, आपको उस जगह में ड्यूटी नहीं हो पाएगा। यही होता है ज्यादातर स्टील प्लांट में। आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, एगो फोरमैन ड्यूटी किस लिए नहीं कर पाता है कि टीम के साथ उसका ठीक से बातचीत नहीं हो पाता है। जब आपका टीम सही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। अभी दोस्तों आ जाता है कि जब आप एक इंटरव्यू देने गए हैं, ये सब बात मैं किस लिए बता रहा हूं, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब मिक्स रहता है क्वेश्चन में कि आप किस तरह से समझा रहे हैं। अभी बात आ जाता है कि आप फोरमैन में ड्यूटी कर रहे हैं, कितना साल से कर रहे हैं, जैसे आप वर्क एक्सपीरियंस लिखे हैं 15 साल 10 साल या 12 साल या 18 साल, कुछ तो वर्क एक्सपीरियंस लिखना ही पड़ता है बायोडाटा में, और कौन कौन सा कंपनी में ड्यूटी किए हैं। तो जब भी आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तो ज्यादा कंपनी का नाम आपको बायोडाटा में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप 15 साल का एक्सपीरियंस दिखाए हैं तो 3 से 4 कंपनी का डालिए, तभी क्या होगा, जो आपका जीएम साहब, एजीएम साहब, एचओडी रहेगा वो समझ जाएगा कि इसको अगर हम ड्यूटी ज्वाइनिंग करवाएंगे ये छोड़ के कहीं भागने वाला नहीं है। सालों साल कम से कम कितनों भी कम ड्यूटी करेगा, 1-2 साल ड्यूटी करेगा तभी यहां से जा सकता है, और इसका काम कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इसीलिए एक एक कंपनी में 5 साल करके ड्यूटी किया है। दोस्तों अभी ये पॉइंट आ जाता है कि जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ना, जो आप बायोडाटा सबमिट किए हैं, बायोडाटा में जो आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाए हैं उसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। किस तरह से वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बायोडाटा में आप लिखे हैं EAF और इसके बाद LRF आ जाता है SFC, तो ये सब हो गया दोस्तों शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैं अपना जो बायोडाटा है उसमें देखिएगा, इससे पहले भी वीडियो बनाकर मैं समझाया हूं कि इलेक्ट्रिक ARC फर्नेस, लैडल रिफाइनिंग फर्नेस, SFC स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बहुत आसान तरीका से जवाब दे सकता हूं।
अगर आप जब फोरमैन में ड्यूटी कीजिएगा, अगर आप एसएफसी पैनल का एक्सपीरियंस दिखाए हैं तो आपको जरूर बोलेगा कि एसएलडी बना के दिखाइए। एसएलडी का फुल फॉर्म होता है सिंगल लाइन डायग्राम। अभी कहां से आपको एसएलडी बना के दिखाना है, ये हो गया आपका सब स्टेशन में जो आपका 33 KV का सप्लाई है, यहां से लेके एकदम फर्निश तक। इसमें आ जाएगा दोस्तों कि सब स्टेशन में जो लाइटिंग अरेस्टर रहता है, साज अरेस्टर रहता है, कैपेसिटर बैंक रहता है, जितना सारा चीज है सब आपको डायग्राम में बना के दिखाना है। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा तो 15 से 20 मिनट टाइम लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब में क्लास देता हूं, ठीक है, तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप कंटिन्यू इसके ऊपर काम कर रहे हैं तब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आप नया नया कोई कंपनी में चांस लेने गए हैं और आपको एसएलडी बनाने के लिए बोलेगा तभी आपको दिक्कत होगा। किस लिए दिक्कत होगा कि सब स्टेशन में पावर किस तरह से इन हुआ है और किस तरह से एसएफसी पैनल तक आया है। तो ट्रांसफार्मर में जैसे प्राइमरी साइड में 33 KV आया, सेकेंडरी साइड में आपका 1 वोल्टेज आउट हुआ। अभी देखना है कि कौन कौन सा कंपनी का पैनल का एक्सपीरियंस दिखाया है, क्योंकि इलेक्ट्रोथर्म, मेगाथर्म, इंडक्टोथर्म सबका जो ट्रांसफार्मर रहता है ये अलग अलग रहता है। अगर ईटी पैनल का रहेगा तो इसमें मैनुअल पैनल रहेगा तो 600 वोल्ट निकलेगा एसी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में। अगर यही इंडक्टोथर्म का पैनल रहेगा तो 575 वोल्ट एसी निकलेगा, मेगाथर्म का रहेगा तो किसी किसी में 840 निकलेगा, ईटी पैनल रहेगा इस पे भी किसी किसी में 840 निकलता है, किसी में 1000 वोल्ट निकलता है। जब आप एसएलडी बना के समझाइएगा, जो कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं एक एक पॉइंट अगर आप फॉलो करके रखे हैं तो उसी का एसएलडी बना के आपको समझाना है, तब क्या होगा आपका जो डायग्राम है वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझाने में भी काफी सुविधा रहेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईओटी। ईओटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। अभी इसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा ना, जो आपका एमएच, एएच और एलटी और सीटी, ठीक है, इसमें से कोई एक पैनल का ड्राइंग आपको बनाने के लिए बोलेगा। कब बोलेगा, जब आप कोई अच्छा कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तब। लतखोर वाला कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तो छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन पूछ के ही आपको छोड़ देगा, और जब आप अच्छा कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तो 2 से 3 घंटा एक फोरमैन का इंटरव्यू होगा और पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन पूछेगा हर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके साथ दोस्तों आ जाता है कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका मैग्नेट पैनल रहता है तो मैग्नेट पैनल का भी एक्सपीरियंस आपको बना के रखना है कि मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, तो इसका ड्राइंग बनाने के लिए नहीं बोला, मैग्नेट पैनल के लिए बोला, तो मैग्नेट पैनल का ही आपको बना के समझाना है। अभी जितना सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन का आपको मेरा ही यूट्यूब चैनल में वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है वीसीपी। वीसीपी का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका सेफ्टी के बारे में पूछेगा ना, किस टाइप का सेफ्टी, ना वीसीपी किस तरह से ट्रिप होता है, आर्ट फॉल रिले किस तरह से काम करता है और आर्ट फॉल रिले कितना में सेटिंग रहता है, ओवर करेंट में किस तरह से ट्रिप होता है, तो 5 गो पॉइंट के बारे में बताइए। तो आपको 5 गो पॉइंट के बारे में नाम बताना है। जैसे मैं छोटा छोटा करके एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा रहा हूं कि आर्ट फॉल्ट, ओवर करंट, ठीक है। तो इस तरह से जो वीसीपी है इसी का भी नॉलेज आपको बना के रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि एसीबी। तो एसीबी का फुल फॉर्म होता है या सर्किट ब्रेकर। एसीबी में कौन कौन सा कॉयल रहता है, जैसे मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूं कि क्लोजिंग कॉयल, सैंड कॉयल और अंडर वोल्टेज कॉयल, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। और एसीबी में जो एयर गैप रहता है इसके बारे में भी पूछेगा, मतलब ज्यादा लंबा लंबा आपसे नहीं पूछेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन के बारे में पूछेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि ईओटी क्रेन वीसीपी एसीबी का जब हो गया और आप सही से आंसर दे दिए, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया।
इसके बाद आ जाता है कि जो आपका वर्क परमिट है, ठीक है, वर्क परमिट के बारे में, मतलब जो आप काम करवाइएगा तो किस तरह से सेफ्टी के साथ करवाइएगा ना। जो आपका वर्क परमिट होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं, फोरमैन और इंजीनियर में बात होता है और जॉब प्लानिंग होता है, इसके लिए क्या होता है, टैग भरना पड़ता है कि जहां पे आप काम कराने के लिए भेज रहे हैं तो वहां पे जो आपका इंचार्ज है या जो वो साइड को देखता है उसका भी परमिशन लेना जरूरी है। पहले आपको टैग भरना है, उसके बाद आपको काम करना है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है TPM, ठीक है, टोटल प्रिविटिव मेंटेनेंस, मतलब क्रेन में हो या आपका SFC पैनल में हो या आपका फार्म हाउस में हो, मेंटेनेंस आप किस तरह से करवाते हैं, मेंटेनेंस अगर आप ठीक से करवाते हैं तो एक महीने में कितना ब्रेकडाउन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन का आपको सही से आंसर देना है, तब क्या होगा, एक बार में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो जाएगा और कुछ दिक्कत भी। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।